गाइस वेलकम वन। हे गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा विक्रम मूवी के बारे में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है एंड मेरे हिसाब से एक मस्ट वॉच है। इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में उसका नाम जरूर आएगा अगर इंडियन सिनेमा की बात की जाए। इंडियन सिनेमा काफ़ी ब्रॉड है एंड उसमें से ही साउथ इंडस्ट्री से ये मूवी बिलोंग करती है एंड साउथ इंडस्ट्री से जितनी मूवी आई हैं इस साल वो सारी एक हिसाब से ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि जितनी भी मूवी आ रही हैं वो ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं, जो आजकल काफ़ी रेयर हो चुका है मूवीज़ के साथ। अगर इवन मैं मार्वल की मूवी की बात करूं, तो लास्ट मूवी मैंने देखी थी थॉर लव एंड थंडर, जो मुझे एंटरटेन करने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहती है एंड कई मूवीज़ की मैं बात कर सकता हूँ आराम से। बट अगर मैं बात करूँ विक्रम मूवी के बारे में जो मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, तो वो मूवी आपकी अटेंशन लेती है। 3 घंटे की मूवी है, आप बोर नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। हाँ, वीक पॉइंट कुछ होते हैं, मूवी परफेक्ट नहीं है, बट जब आप मूवी फिनिश करोगे आपके अंदर वो फीलिंग होगी जिसके लिए आपने इस मूवी को देखना शुरू किया था। मतलब मूवी एंटरटेनमेंट आपको दे के जाती है फुली एंड कमल हसन जो उनका काम होता है वो सही में बहुत ही बढ़िया होता है। जब मैं मूवी को शुरू करता हूँ उसमें एक मर्डर होता है स्टार्ट में, उसके बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जिसके कारण मूवी को देखने आया था उसका एंड इतनी जल्दी कैसे हो गया। बट बाद में जाके जब स्टोरी कनेक्ट होती है तो वो सुपर होता है, सही में बोलूँगा बहुत ही बढ़िया काम वहाँ पे किया है। अमर का करेक्टर जो प्ले करते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया होती है एंड चंदन का करेक्टर जो बहुत ही सही होता है, इसको मैं एक कॉमेडिक फिगर भी बोल सकता हूँ एंड उसके साथ एक बढ़िया विलन भी बोल सकता हूँ। विक्रम मूवी पहले आपको एक इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जाती है, बहुत लोग मर रहे हैं एंड सिस्टम को एक मैसेज देने की बात हो रही है मखौटे वाले लोग। उसके बाद अमर की टीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो इस केस को लेती है एंड सॉल्व करने की कोशिश करती है। उनका सॉल्व करने का तरीका काफ़ी सही होता है, जो देख के आपको मज़ा भी आएगा एंड उसके बाद जैसे अमर के सामने सच्चाई आने लगती है तो आपके सामने स्टोरी भी धीरे धीरे से रिवील होने लगती है। सिस्टम को एक मैसेज भेजना, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेन विलन पूरी मूवी में सिस्टम ही होता है, सिस्टम के लोग जो करप्ट हो चुके हैं, जो उस बंदे के साथ मिल रहे हैं जो बंदा एक हिसाब से पूरे इंडिया को ख़त्म कर सकता है। कैसे? एक वाइट पाउडर से। वाइट पाउडर का एक बहुत बड़ा भंडार एक जगह पे है एंड वो माल चंदन का है, उसको वापस चाहिए एंड रोलेक्स उसको मार डालेगा अगर वो ये माल टाइम पे प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस जगह की स्ट्रगल आपके सामने रखी गई है। अगर मैं बात करूँ कमल हसन का करेक्टर जिसका नाम होता है विक्रम, उसकी स्टोरी जब आपके सामने रखी जाती है वो काफ़ी सही होती है एंड उससे ज़्यादा सही होता है वो सीन जब चंदन के बंदे विक्रम के पोते को मारने आते हैं। वहाँ पे जो बाई होती है मतलब वो शॉक कर देती है, वो सीन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। एक मुंह पे अलग ही स्माइल थी जब वो उनको पटक रही थी सही में। एंड एक और सीन वहीं पे आता है जब विक्रम की फाइट चंदन के बंदों के साथ होती है, बट जो उसका पोता होता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा शोर वहाँ पे नहीं मचा सकते, तो वो फाइट देखने में मज़ा आता है। एंड उसके साथ एक सीन आपके जहन में और रह जाएगा, वो होता है चंदन एंड उसकी फैमिली का। वो लैब में बैठे होते हैं, उसको फ़ोन आता है पुलिस वाले का, किसी चीज़ को छूना मत, सीधा बाहर निकल जाओ पूरी फैमिली के साथ। एंड वो फैमिली वालों को कैसे कहता है, उसको देख के आप पूरा हंसोगे। उसके साथ जो वो गाना चलता है बैकग्राउंड में वो रेडियो पे, वो देख के भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब पूरा सीन काफ़ी बढ़िया था। चंदन का करेक्टर जो स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रांगली हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था, उसको उस हालत में देख के आप मतलब बहुत ही आपको मज़ा आएगा। एंड उसी सीन के वक्त दो सिचुएशन आपके सामने और रखी जाती है एंड जो उसमें स्विचिंग होती है वो सही में बहुत ही बढ़िया होती है। 3 घंटे की मूवी होती है, वो सही में हर एक चीज़ को टाइम देती है, टाइम मूवी आपका लेगी एंड किसी भी करेक्टर को ऐसे नहीं छोड़ के जाएगी। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है इस मूवी की। अंत में आपके सामने एक और सीन आता है
जहाँ पे रोलेक्स का करेक्टर आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो आगे जाके नेक्स्ट मूवी में विलन होगा फॉर श्योर। एंड एक नया यूनिवर्स ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक तो सही चल रहा है। एंड मेरे हिसाब से जो काम इस मूवी में इन्होंने करके दिखाया है, अगर वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं आगे जाके, तो आपको और अच्छी मास एंटरटेनर मूवीज़ मिल सकती है। ये मूवी को कोई भी बुरा नहीं बोलेगा, सारे एंजॉय करेंगे। एंड अगर आप मूवी को देखने जा रहे हो तो हाँ, कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट लग सकती हैं, बट उनके साथ भी ये मूवी आपको वो मज़ा दे के जाती है। एंड अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो डिज़नी प्लस पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिए इस मूवी को। अगर आप तलाश कर रहे हो एक ऐसी मूवी की जो आपको फुली एंटरटेनमेंट दे, तो ये वो मूवी है फॉर श्योर। एंड इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करूँगा। आपके क्या व्यू हैं इस मूवी के ऊपर, अगर आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अंत में अनदर पर्सपेक्टिव के चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बी होपफुल, कीप डूइंग व्हाट यू लव, बाय गाइस। Late nights, been a long flight, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life.